तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिस पर लेसन वन चल रहा था, जिस पर मैंने आपको 8 वीडियोज प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इसकी जो पिछली वाली वीडियो थी वह क्लोरोफार्म के ऊपर थी, उस पर मैंने आपको सचित्र वर्णन सहित क्लोरोफार्म के बारे में समझाया था। इसके बाद मैं उसी के क्लोरोफार्म के भौतिक व रासायनिक गुण इस विधि में बताने वाला हूँ। यदि आपको सभी वीडियोजें नहीं देखी हैं तो इंड स्क्रीन पर आपको 4 वीडियोजें मिल जाएंगी, वहां से आप जाके वाच कर सकते हैं। यदि आपको सभी वीडियोजों को देखना है तो पूरी वीडियोजों के प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट से देख लेना, या फिर मैं प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पर दे देता हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं भौतिक और रासायनिक गुण आपको बेहतर समझाने वाला हूं, तो यहां पर आप एक एक पॉइंट को मिस ना करें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैं जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएँ करवाऊँगा, यदि आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रासायनिक अभिक्रियाएँ इसी तरह करने में समझ में आने लगेंगी। दोस्तों, क्लोरोफार्म को जो मैंने आपको रिएक्शनें बताई हैं वो आप एक बार में आप याद नहीं रख सकते, इसलिए उनकी आपको क्या करनी होगी, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप सबसे पहले उनकी तीन से चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने क्लोरोफार्म के भौतिक और रासायनिक गुण आपको पूरी तरह समझाने की फुल कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर दोस्तों पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे लगा लेना, तब ही आपको मेरी सभी वीडियोजों के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो मैं आपको आइए क्लोरोफार्म के भौतिक व रासायनिक गुण बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि लेसन वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके क्लोरोफार्म के दोस्तों आपको भौतिक गुण पहले मैं बताने वाला हूं, फिर इसके बाद रासायनिक गुण बताऊंगा। तो भौतिक गुण में आपको समझने वाली क्या बात है दोस्तों, ये जो क्लोरोफार्म होता है ये मीठी गंध देता है। जब इसको कहीं रख देते हैं तो ये मीठी गंध वाला होता है और ये एक द्रव होता है। मैंने आपको बताया था वाष्प संघनित्र में जैसे इसकी वाष्प जाती है तो उसे ठंडा करके द्रव में बदल कर ग्राही पात्र में एकत्रित कर देती है। इससे यह पता चलता है कि यह क्या होता है, द्रव पदार्थ है। तो आप से कह देंगे ये रंगहीन होता है क्योंकि एक रंगहीन पदार्थ है। तो यहां पर आप लिखेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट पर ये रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट में यहां पर लिख देता हूं, यह रंगहीन तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है कि यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, जब हम क्लोरोफार्म को पानी पर डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, तो ना दोस्तों वह जल में घुलता है और ना ही वह जल के मतलब ऊपर रुकता है, वह जल के अंदर चला जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यह जल में अभिलेय नहीं है। दूसरी बात, अंदर चला जाता है तुरंत, यानी जल से बाहर ही है। दोस्तों, जब भी हम इसे माप लेते हैं, क्लोरोफार्म को जब भी हम माप लेते हैं और इसके बाद तौलते हैं तो ये जल से बाहर ही निकलता है, हालांकि ये भी द्रव है और जल भी एक प्रकार का द्रव है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया इससे क्या पता चला कि जब हम जल में डाल देते हैं अंदर चला जाता है और घुलता नहीं है, तो यहाँ से यह पता चला कि यह जल में अभिलेय है और जल से भारी है। तो इसका जो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा यह जल से भारी है, और जब हम इसे एथिल एल्कोहल ईथर वगैरह में डालते हैं तो ये तुरंत घुल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है, यह आपको लैब में जाना होगा और सारा कुछ करने को मिलेगा यदि यहाँ पर आपके अच्छी लैब होगी तो। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप डालेंगे क्लोरोफार्म, आपको ओरिजिनल क्लोरोफार्म नहीं डालना, क्योंकि आप ओरिजिनल क्लोरोफार्म जैसे ही सूंघ लेते हैं तो बेहोश हो सकते हैं, ज़्यादा देर सूंघे रहते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सावधान रहने वाली बात है। तो यह जल से भारी होता है, नंबर दूसरा पॉइंट। नंबर तीसरा पॉइंट, यह जल में अभिलेय परंतु एथिल एल्कोहल व ईथर जैसे ईथर में विलेय होता है। तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो आपको दो पॉइंट समझाए थे वही दो पॉइंट लिख लिए हैं कि यह जल से भारी होता है, भारी द्रव है लिख सकते हैं, और यह जल में अभिलेय परंतु एथिल एल्कोहल व ईथर में विलेय है। नंबर तीसरा पॉइंट, इसको जब हम 61 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मा देते हैं, खौला देते हैं, तो यह भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसका जो क्वथनांक होता है वह 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि
क्वथनांक का मतलब होता है पदार्थ खौलते खौलते भाप बनकर उड़ने लगे, वह वही स्थिति वही की उसका क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। क्वथनांक की परिभाषा होती है किसी पदार्थ को गर्म करने पर जैसे ही वह ऊपर भाप बनकर निकलने लगे वही स्थिति क्वथनांक कहलाती है। और गलनांक जब किसी पदार्थ को गर्म करते करते वह गलने लगे वही स्थिति क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। तो क्लोरोफार्म को हम 61 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ऊपर उड़ने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि इसका जो क्वथनांक होगा कितना होगा दोस्तों। यदि आपको पहले से इसका क्वथनांक पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। 31 डिग्री सेंटीग्रेड 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक बात और जान लेनी है कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि आप क्लोरोफार्म को ज़्यादा सूंघ लेते हैं तो आप बेहोश हो जाएंगे, और यदि आप ज़्यादा देर तक सूंघते रहते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लोरोफार्म को सीधे सीधे सिंपल भाषा में लिख लेंगे कि इसे सूंघने से, इसकी वाष्प में रहने से या इसके सूंघने से बेहोशी आ जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी वाष्प में रहने से क्या हो जाती है दोस्तों, आपको भी पता है कि इंसान बेहोश हो जाते हैं, तो इसकी वाष्प में रहने से बेहोशी छा जाती है। तो दोस्तों यही कुछ थे क्लोरोफार्म के भौतिक गुण जो आपको लिख कराना है। उम्मीद करता हूँ ये भौतिक गुण मैंने आपको समझाए, आपके समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आते हैं रासायनिक गुण पर। तो यहाँ पर मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण समझा दिया, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन होगी वह होगी फर्स्ट नंबर क्लोरीन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया दोस्तों, क्लोरीन से अभिक्रिया। तो क्लोरीन का फार्मूला तो आप जानते ही होंगे क्योंकि मैंने इसकी जो प्रयोगशाला विधि थी उस पर क्लोरीन से अभिक्रिया कराई थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोरीन से अभिक्रिया। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज करते समय आपको ध्यान देना होता है कि हम किस चीज़ के केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। तो हम क्लोरोफार्म के केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब जिसके कर रहे हैं तो क्लोरोफार्म के कर रहे हैं, तो क्लोरोफार्म का फार्मूला लिख लेंगे CHCl3। इसके बाद हमें किससे अभिक्रिया करानी है, क्लोरीन से। तो यहाँ पर अब हम क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा। अब मैं रिएक्शन करके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आप क्या देखेंगे, ये वाला जो H होगा ये H और इसका एक Cl निकाल देंगे बाहर, तो हमारा निकल के आ जाएगा HCl। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, HCl। फिर इसके बाद आप देखेंगे आपके पास बचा क्या, तो आपने देखा कि हमारे पास बचा C और ये C और ये L और एक एल सी एल यहाँ से बचेगा और तीन सी एल यहाँ से, क्योंकि एक सी एल आपने यहाँ दे दिया एच के साथ, इस एच को एक सी एल दे दिया, एच सी एल बना दिया। अब आपके पास यहाँ तीन सी एल बचे, यहाँ एक सी एल यानी कि चार सी एल, तो सी एल फोर बचे। यहाँ पर हमारा एक सी शेष था, तो यहाँ पर मैंने पहले अपना जो सी शेष था उसे लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे जो चार सी एल बचे वो लिख लूंगा, तो सी सी एल फोर। तो ये हमारा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हमारा ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हमारा होता है क्लोरोफार्म, और हमारा ये होता है क्लोरीन। उम्मीद करता हूँ ये पहली रिएक्शन आपके समझ में आई होगी। तो आते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। नंबर सेकेंड जो हमारी रिएक्शन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको विधिवत समझिएगा, एसीटोन से अभिक्रिया। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे में, कि एसीटोन की अभिक्रिया जब आप क्लोरोफार्म से करवाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर इसे आज समझ लीजिए। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था एसीटोन का फार्मूला CH3CO CH3, तो इसे मैं यहाँ पे खोल कर लिख सकता हूँ कि CH3 80 और इंटू में CH3 11 CO। ये फार्मूला इस प्रकार भी एसीटोन का होता है, ये आप जानते होंगे क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि इस प्रकार ये बैलेंसियाँ क्यों की जाती हैं, क्योंकि इसका जो काम है बहुत लंबा है, यदि मैं समझाने बैठूंगा तो ये 2 घंटे की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कैसे रिएक्शन कराना है, क्लोरोफार्म से कराना है। तो क्लोरोफार्म का हमारा फार्मूला होता है CHCl3, तो इसे मैं यदि आप इस यहाँ पे लिख लूँ HC यानी कि CH
और ये सीएल थ्री, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों जब यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ये सी एच थ्री था, ये सी एच थ्री उसी प्रकार रहेगा, सी एच थ्री, और ये हमारा सी उसी प्रकार रहेगा, ये रहेगा सी एच थ्री। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो हमारा ओ था, ये ओ एच के साथ एक बैलेंसी लेकर ऊपर चला जाएगा, यानी इसमें दो बांड लगे हैं, दो बैलेंसी हैं, तो यहाँ पर आप एक बैलेंसी लेकर इस ओ को एच के साथ मिला देंगे इसको, इसीलिए मैंने यहाँ पर एच सी सी एल थ्री लिखा था। इसके बाद ये वाली जो बैलेंसी थी दूसरी वाली, ये खाली हो गई, तो ये वाली दूसरी वाली बैलेंसी में हम लगा देंगे सी सी एल थ्री। क्या लगा देंगे दोस्तों? सी सी एल थ्री। ये हमारा जो फार्मूला है दोस्तों, ये क्लोरीटोन का है। किसका है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, तो ये हमारा जो फार्मूला है वह क्लोरीटोन का है, क्लोरीटोन का है, ये एसीटोन का है, और ये क्लोरोफार्म का है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों रिएक्शनें आपके समझ में आई होंगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, तो इसे आप दो तीन बार प्रैक्टिस करें, इसमें प्रैक्टिस करने की कुछ बात है ही नहीं, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब मैं आपसे आ सकता है कि एसीटोन की रिएक्शन जब क्लोरोफार्म से करवाएंगे तो क्या होगा, या फिर आ सकता है कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरो एसीटोन से क्लोरीटोन, तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन हर जगह काम आने वाली है, तो इसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। और आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, इसका पार्ट टू बनाऊंगा, उसके देखने का आप वेट करेंगे, उम्मीद है आप उस पार्ट टू को भी ज़रूर देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।